राज्य सरकार ने राज्य में भारी बारिश से प्रभावित किसानों को मुआवजे के रूप में राष्ट्रीय आपदा राहत कोष के मानदंडों से दुगना मुआवजा देने का फैसला किया। इस हिसाब से किसानों को 13,600 रुपए प्रति हेक्टेयर की आर्थिक सहायता मिलेगी, लेकिन मक्के से खेती करने वालों का क्या होगा, ऐसा सवाल भी अब निर्माण हो रहा है। जिले के लगभग 20 से 30 प्रतिशत किसान भत्ते से किराए से खेती करते हैं। राकापा पार्टी की ओर से उप विभागीय अधिकारी को आज दिए ज्ञापन में इन भत्तों से खेती करने वाले किसानों को भी जो भारी बारिश से प्रभावित हैं, उन्हें आर्थिक मदद दिए जाने की मांग की गई है। राज्य में जुलाई के महीने में भारी बारिश हुई थी और भारी बारिश से किसानों को भारी नुकसान हुआ। विधानसभा में विपक्ष के नेता अजीत पवार विदर्भ दौरे पर आए तो उन्होंने वर्धा जिले के हर तालुका का दौरा किया, भारी वर्षा वाले क्षेत्र का दौरा किया, वहां के किसानों के दर्द को समझा और किसानों को तत्काल वित्तीय सहायता देने की मांग की। इसी पृष्ठभूमि में कैबिनेट विस्तार के बाद पहली बार कैबिनेट बैठक में आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया गया, लेकिन ये आर्थिक सहायता उन्हें दी जा रही है जिनका नाम 7-12 पर है। और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP की ओर से मांग की गई है कि मत्ते पर किराए पर खेती करने वाले किसानों को भी आर्थिक सहायता दी जाए। इस मौके पर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सरचिटनीस अतुल वंदीले, पूर्व पार्षद प्रलय तेलंग, मजदूर नेता आफताब खान प्रमुख रूप से उपस्थित थे। हिंगनघाट से कैमरा पर्सन योगेश लखोटे के साथ रवि येनोरकर की रिपोर्ट।